नमस्ते, जोहार, प्रणाम सभी को। आज हम और हमारे टीम के द्वारा एक इंडियन रेड स्नेक धामिन, इस सांप के बारे में आप लोगों को परिचय दे चुके हैं। इसमें सांप होता है, इसको आज हम लोग पकड़े हैं यहाँ पर, इस पर्यावरण में उसको रिलीज करेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा दो शब्द कहना चाहता हूँ, कहने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को कि पर्यावरण का संतुलन के लिए ये जीव का रहना बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, चूहे वगैरह को भी ये कंट्रोल करते हैं, खाते हैं, इनका रहना बहुत ज़रूरी है। और लोग इनसे डरे मत, ये जहरीला सांप नहीं है, धामिन खा सकते, धामिन बिल्कुल ही जहरीला नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं मारना चाहिए। और अब ये आपको सांप दिखाते हैं, देखिए ये है इंडियन रेड स्नेक, जिसको हम लोग धामिन कहते हैं हिंदी में। बिल्कुल ही बीसीन है और जहरीला नहीं होता है और ये काटते भी नहीं है। तो इस जीवों का रहना बहुत ज़रूरी है ताकि माने प्रकृति पर्यावरण का संतुलन चलता रहे और उस पर इनका जो रोल है वो करते रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर सांप है और ये भय खाते हैं, हम लोग से डरते हैं और हम लोग को नहीं डरना चाहिए लोग से। और देखिए आप इसको, अब इसको हम लोग जाने देंगे क्योंकि और परेशान नहीं करेंगे, ये जाने के लिए आतुर है। हाकिम जी, पकड़ेंगे क्या आप? नहीं, अब बाद में। तो ये बच्चे जो है हमारे साथ जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनका मैं परिचय करा चुका हूँ। ये बहुत मेहनती लड़के हैं और बहुत सांपों के प्रति समर्पित हैं और अच्छा करेंगे, हमें ये पूरा विश्वास है। और आप लोग से मैं एक निवेदन करूँगा, सांप को न मारे, अब इनको हम जाने देते हैं, धन्यवाद। और सांप मारे नहीं प्लीज, और सांपों का रहना तो हम बता चुके हैं कि कितना ज़रूरी है। और मिलते हैं एक और अगले सांप के साथ, नमस्कार।